So in this video, we will talk about the benefits of the total quality management. So start with your first point, that is improved quality. अगर मैं TQM में बात कर रही होती हूँ improved quality की, it means that कि मैं बात कर रही हूँ कि हमारा जो भी product निकल के आए, जो भी services निकल के आए, वो कैसी होनी चाहिए, quality oriented होनी चाहिए. इम्प्रूव क्वालिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर हम TQM अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर रहे हैं, अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच के थ्रू अपना प्रोडक्शन प्रोसेस रन कर रहे हैं, सो हमारी जो भी क्वालिटी प्रोसेस अभी करंट में चल रही है, जो भी हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स करंट में हैं, वो फ्यूचर में और ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे इम्प्रूव क्वालिटी से मतलब यही है कि TQM प्रोसेस को अडॉप्ट करने से, TQM अप्रोच को अडॉप्ट करने से आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, जो भी आप मार्केट में ऑफर कर रहे हो, उनकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है. क्यों हो जाती है, रीज़न भी है. देखिए, अगर आप हर प्रोसेस पर अपनी क्वालिटी चेक कर रहे हो, आप हर एक प्रोसेस को बहुत ही डीपली एनालाइज कर रहे हो, चाहे वो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग प्रोसेस हो, चाहे वो आपकी मटेरियल प्रोक्योरमेंट के रिगार्डिंग प्रोसेस हो, चाहे वो आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल के रिगार्डिंग प्रोसेस हो, जब आप एक एक प्रोसेस को बहुत डीपली एनालाइज करते हो, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आपकी हर एक प्रोसेस इंप्रूव होती जाती है. और जैसे जैसे आपकी प्रोसेस इंप्रूव होती जाती है, वैसे वैसे आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है. ओके, द नेक्स्ट इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की मैं अगर बात करूं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी आपकी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की. ठीक है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की रिगार्डिंग मैंने आपको क्या बताया था, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि हम एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में एम्प्लॉय को फ्रीडम देते हैं अपने हिसाब से काम को करने की. ओके, तो जब हम उसको अपने हिसाब से काम को करने की फ्रीडम देते हैं, अच्छा, हम उसको अपने हिसाब से काम करने की फ्रीडम दे रहे हैं, बट हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं, वो प्री डिफाइंड होते हैं. हम उनको एक फिक्स पाथ नहीं बताते कि इसी पाथ पे जाके आपको ये वर्क करके लाना है, बल्कि हम उनको फ्रीडम दे देते हैं और एक टास्क दे देते हैं कि आपको अल्टीमेटली ये क्वालिटी अचीव करनी है. कैसे अचीव करनी है, दैट इज डिपेंड ऑन यू. ओके, सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको असाइनमेंट दिया क्लास में, ओके, सो असाइनमेंट देने के बाद मैंने आपको 5 questions बता दिए कि आपको ये questions करके लाने. अब मैंने आपको वहां पे उसकी गाइडलाइंस नहीं दी कि आपको यही यही आंसर लिखने हैं या यही पॉइंट्स लिखने हैं. इट्स डिपेंड अप टू यू कि आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, कोई भी पॉइंट्स उसमें मेंशन कर सकते हो, बट मैंने एक अल्टीमेट आपको एम दिया, एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव दिया कि बट आपका जो असाइनमेंट होना चाहिए, दैट शुड बी क्वालिटी ओरिएंटेड. जो आंसर लिखे होने चाहिए वो अप टू द पॉइंट होने चाहिए, अप टू द मार्क होने चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट उनका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. सो ये मैंने आपको टारगेट दिया, बट मैंने आपको फिक्स गाइडलाइंस नहीं दी कि आपको कॉपी में से ही देख के लिखना है या आपको बुक में से ही देख के लिखना है. इट्स डिपेंड अप टू यू कि आप चाहें तो आप बुक की हेल्प से लिखें, चाहे आप गूगल की हेल्प से लिखें, चाहे आप किसी भी चीज की हेल्प से लिखें. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली यही होता है कि जब हम एम्प्लॉय को एम्पावर कर देते हैं कि आपको फ्रीडम है काम को करने की, बस हम उसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बता देते हैं कि अल्टीमेटली आपने इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है. सो कहीं ना कहीं वहां पे हमारा एम्प्लॉय का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, जस्ट बिकॉज एम्प्लॉय को पता है कि अब उसको अपने हिसाब से काम करना है, तो वो अपनी साइड से पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करूँ, अपना 100% दूं, सो दैट जो मेरा वर्क निकल के आए वो अप टू द मार्क निकल के आए. सो TQM के थ्रू बेसिकली आपका जो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. एक बात, सो नेक्स्ट इज योर टीम वर्क. अगर मैं टीम वर्क की बात करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि TQM में बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो वही पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट देखेगा या वही प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करेगा. टीम वर्क में बेसिकली हमने देखा ये कि हमारी जितना भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसमें एक टीम वर्क इन्वॉल्व है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ह्यूमन बींग वहाँ पे सुपरवाइज नहीं कर रहा, किसी पर्टिकुलर ह्यूमन की यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, बल्कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हर एक लेवल उस चीज में इन्वॉल्व है. तो बेसिकली जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है वो एज अ
टीम वर्क कर रही है, ठीक है। आप ऐसे समझ लो जैसे कि सपोज आपके कॉलेज में फन कैंप होता है, ओके। सो फन कैंप में क्या होता है, फन कैंप में कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फन कैंप के रिजल्ट के लिए, क्या होता है पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जब हम एक टीम में वर्क कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा वर्क निकल के आता है वो ज्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड होता है, जस्ट बिकॉज वहां पे एक टीम स्पिरिट क्रिएट हो जाती है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जो एक पर्टिकुलर टास्क होता है उसको अचीव करने के रिगार्डिंग। सो बेनिफिट हमारा TQM का यही निकल के आता है कि TQM के थ्रू हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, दी होल ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग जस्ट लाइक अ टीम, ओके। द नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हम फोर्स्ड से बात करते आ रहे हैं TQM में कि जो भी आपकी TQM अप्रोच है बेसिकली वो किस पे बेस्ड है, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बेस्ड है, कस्टमर फोकस पे बेस्ड है। तो आपका जो बेसिक बेनिफिट निकल के आता है TQM का वो यही होता है, जब आपका प्रोडक्ट अप टू द मार्क निकल के आएगा, अप टू द क्वालिटी निकल के आएगा, जब आप सर्विसेज अच्छी क्वालिटी की डिलीवर कर रहे हो, कस्टमर की नीड एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से डिलीवर कर रहे हो, जो उसका टेस्ट है उसके हिसाब से डिलीवर कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है, ओके। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करती हूँ तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हम अपने मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सकें, तभी हम किसी प्रोसेस को प्रोडक्टिव बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें प्रोडक्टिविटी मेंटेन होती है। क्यों मेंटेन होती है, देखो फर्स्ट थिंग इज दैट कि जब भी हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होकर चलते हैं कि हमें जो भी काम करना है पहली बार में ही करेक्ट करके लाना है, ठीक है। पहली बार में करेक्ट करने का मतलब क्या होता है, पहली बार में करेक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर हमने पूरी प्रोसेस कर ली उसके बाद हमने चेक किया और फिर हमने देखा कि हमारा टास्क उस अप टू द मार्क नहीं आया, हमारे टास्क में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, सो हमें दोबारा से फिर वही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, तो उसमें वेस्टेज ज़्यादा होता है। तो प्रोडक्टिविटी के सेंस में हम इसमें यही बात करते हैं कि TQM में क्या होता है, हर प्रोसेस को एक प्रोसेस कंप्लीट देन उसको चेक किया जाता है, देन दूसरी प्रोसेस कंप्लीट होती है देन उसको चेक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी मेंटेन होती है जिसमें हम वेस्टेज कम कर रहे होते हैं और आउटपुट मैक्सिमम लेके आ रहे होते हैं, ओके। The next is your market share. अगर मैं market share की बात करती हूँ तो market share automatically capture हो जाता है जब आपका customer satisfied है, आपने market में अपना penetration कर रखा है product and quality goods के regarding, so आप automatically आप market share ज़्यादा से ज़्यादा cover कर लेते हो just because आपका market एक huge level पे deal करने लग जाता है, एक बड़ा market मिल जाता है आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा customer आपसे satisfied होते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ customer maintaining की बात नहीं करते, हम यहाँ कस्टमर के रिटेंशन की भी बात कर रहे होते हैं। तो जब हम कस्टमर के रिटेंशन कस्टमर मेंटेनिंग दोनों की ही बात कर रहे होते हैं, कस्टमर फोकस होके चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी मार्केट में एक बेंचमार्क भी सेट कर रहे हैं TQM के थ्रू। मैंने आपको अभी नेक्स्ट जो इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम TQM के थ्रू बेसिकली एक बेंचमार्क सेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम मार्केट में बेंचमार्क सेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मार्केट शेयर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अगर मैं एप्पल की बात करती हूँ तो एप्पल के जितने भी आईफोन्स आते हैं, आईफोन्स ने अपनी एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है मार्केट में, लोग एप्पल को उसकी बेंचमार्किंग से जानते हैं, तो उसको बीट करने के लिए कॉम्पिटिटर्स अभी तक आए ही नहीं है। तो जब आपका एक बेंचमार्क सेट हो जाता है तो कहीं ना कहीं एप्पल अब कोई भी वर्जन निकाले उसका वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है, जस्ट बिकॉज उसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा हो चुका है, मैक्सिमम कस्टमर उसको यूज कर रहे हैं और कस्टमर यूज करने के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी से उसके फीचर से सेटिस्फाई भी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, TQM का जो बेसिक बेनिफिट निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि TQM की हेल्प से आप मार्केट शेयर अच्छा खासा कैप्चर कर लेते हो, ओके। तो नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, ऑटोमेटिक सी बात है, जब आपका मार्केट शेयर अच्छा है, जब आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर है, तो कहीं ना कहीं आप क्या अर्न कर रहे होगे, प्रॉफिट अर्न कर रहे होगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है जस्ट बिकॉज आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, आपकी सेल बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सो आई होप यहाँ पे आपको बेनिफिट्स ऑफ TQM समझ में आया होगा।